हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस चैनल पर। दोस्तों, हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो एक हाउस वायरिंग से रिलेटेड वीडियो है। क्या हुआ, एक हमारे कस्टमर हैं जिनकी हमने 2-3 महीने पहले हाउस वायरिंग की थी, तब उनके पास एक फ़ैन अवेलेबल नहीं था। तो उनने क्या किया, अभी फ़ैन लेके आए वो, और उन्होंने अपने आप से फ़ैन को लगा लिया और उसके कनेक्शन कर लिए। तब उनने फ़ैन को कनेक्शन करने के बाद जब स्विच को ऑन किया, फ़ैन के स्विच को, तब हम उनका फ़ैन नहीं चला। और फिर जब ट्यूबलाइट के जो स्विच है उसको ऑन किया तो उनका फ़ैन भी चला और उसके साथ ट्यूबलाइट भी चालू हो गई। तो दोस्तों, तब उनने हमें बताया कि जो हमारा हाउस वायरिंग करते समय जो हमारी ट्यूबलाइट और जो फ़ैन है उसका कनेक्शन एक ही स्विच से हो गया है, तो अभी क्या करें, उसको अलग अलग कर दें जिससे हम उसको अलग अलग ऑपरेट कर सकें। लेकिन हमें पहले से पता है कि जो हमने कनेक्शन किए थे वो हमने पहले से ही अलग अलग स्विच से किए थे, और जो फ़ैन है उसमें रेगुलेटर भी लगाया था। तो दोस्तों, आज का यही वीडियो है। अब हमें देखना ये है कि जो फ़ैन को सप्लाई मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, उसको सही करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्विच बोर्ड है और जो ये स्विच है वो हमारा ट्यूबलाइट का स्विच है, लेकिन उसको ऑन करने पर हमारी ट्यूबलाइट भी चालू हो रही है और लेकिन उसके साथ में फ़ैन भी चालू हो रहा है, जो कि फ़ैन जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। और जब हमने बोर्ड को खोल के देखा तो उसमें क्या है, जो हमारे कनेक्शन है ये जो हमारा है वो ट्यूबलाइट का है, और जो फ़ैन है वो हमारा उसका भी अलग स्विच से कनेक्शन है। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि जो फ़ैन को सप्लाई मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। देखिए दोस्तों, ये जो फ़ैन का कनेक्शन है वो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके द्वारा सप्लाई गई है फ़ैन के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम फैन बॉक्स में देखते हैं कि जो इन्होंने कनेक्शन किए थे वो कैसे किए थे। देखिए दोस्तों, जब हमने फ़ैन बॉक्स को खोल के देखा तो हमें पता चला कि इन्होंने जो कनेक्शन है वो गलत कनेक्शन किए थे। इन्होंने क्या किया था, जो न्यूट्रल, जो हमारा मेन न्यूट्रल आ रहा था और जो हमारा ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल जा रहा था यहीं से, तो वो जॉइंट थे दोनों के, तो उन्होंने क्या किया, उस जॉइंट को खोला जिससे न्यूट्रल वायर उसका ट्यूबलाइट का अलग हो गया और जो हमारा मेन न्यूट्रल आ रहा था वो अलग हो गया। और इन्होंने क्या किया, जो हाफ वायर आ रहा था फैन का उसको छुआ भी नहीं, ये टेप लगा जैसा रखा था वैसा का वैसा ही रखा रहने दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारा मेन न्यूट्रल आ रहा था उसको फ़ैन के एक वायर में कनेक्ट कर दिया और जो हमारा ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल जा रहा था उसको फ़ैन के एक वायर में कनेक्ट कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, जो हमारा फ़ैन और ट्यूबलाइट है वो आपस में एक दूसरे के सीरीज़ में कनेक्ट हो गए। ऐसे कैसे हुआ, देखिए जो हमारा जो स्विच ऑन कर रहे थे ट्यूबलाइट का जो फेस है वो, देखिए ये जो वायर है जो हमारा ट्यूबलाइट के लिए फेस जा रहा है, तो जो हमारा फेस है वो हमारा ट्यूबलाइट से होते हुए जो ग्रीन वायर है यहाँ तक हमारा फेस जो है वो रिटर्न आ गया है। और जैसे ही हमने इसको फ़ैन से कनेक्ट किया तो हमारा जो फेस है वो फ़ैन को भी मिल गया है, और दूसरा वायर जो फ़ैन का हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया तो इधर से इसको न्यूट्रल मिल गया, तो ये हमारा अब सीरीज कनेक्शन हो गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको सही कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा वाइट वायर है जो हमारा पंखे के लिए हाफ वायर आ रहा है जिसको हमने पंखे से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो वायर है हमारा न्यूट्रल हो गया, जो मेन न्यूट्रल आ रहा है, और ये हमारा पंखे का न्यूट्रल है, और जो ग्रीन वायर है वो हमारा ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल जा रहा है। तो चलिए अब हम इसको टेप कर लेते हैं, और टेप करके हम इसको फ़ैन बॉक्स में सही से रख देंगे, और फिर इसके बाद हम फ़ैन कवर को बंद कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा फ़ैन है और जो ट्यूबलाइट है वो अलग अलग स्विच से ऑन हो रही है या नहीं। और दोस्तों, अब हम आपको ड्राइंग में भी बताते हैं कि जो हमारे सीरीज कनेक्शन है वो कैसे हुआ, अभी कई दोस्तों को इसमें ऐसे समझ में नहीं आया हुआ, तो वो आपको ड्राइंग में समझाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है वो फ़ैन बॉक्स है, और ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है, और ये हमारी ट्यूबलाइट है, और यहाँ पे जो हमारा है ये स्विच बोर्ड है। तो ये जो हमारा पहला वाला स्विच है ये हमारा जो ट्यूबलाइट का इससे फेस जा रहा है, और जो ट्यूबलाइट का फेस जाते हुए जो हमारा फ़ैन बॉक्स से निकलते हुए हमारा ट्यूबलाइट में पहुंच गया है, और फिर जो हमारा पंखे का फेस है वो हमारा रेगुलेटर से होते हुए ये हमारा फ़ैन बॉक्स में चला गया, जो हमारा यहीं पर खाली पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल है ये हमारा यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, और जो फ़ैन बॉक्स में जाते हुए ये हमारा जो जॉइंट लगा हुआ है यहीं से हमारा जो है वो ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल पहुंच गया।
तो अब इन्होंने जो कनेक्शन किया वो क्या किया, जो हमारा जो फैन वायर जा रहा है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, जो जैसा था वो खाली ही छोड़ दिया। और इन्होंने क्या किया, जो हमारा न्यूट्रल जा रहा था, न्यूट्रल के दोनों जॉइंट लगे थे, तो इस जॉइंट को इन्होंने खोल दिया, हटा दिया, अलग अलग कर दिया। और क्या किया, जो पंखे के जो वायर हैं, एक पंखे को जो हमारा मेन न्यूट्रल है इसमें कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा दूसरा पंखे का वायर है वो हमारा इसमें जो ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल जा रहा था उसमें कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा फेस वायर है ट्यूबलाइट का वो इधर से जाते हुए सीधा हमारा ट्यूबलाइट में पहुँचा, और ट्यूबलाइट से निकलते हुए जो हमारा यहाँ पर फेस वायर जो पंखे में जाते हुए यहाँ से पंखे में गया, और जो पंखे से फिर निकलते हुए जो हमारा एक वायर गया वो न्यूट्रल में मिल गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा न्यूट्रल यहाँ से मिला है और यहीं से हमारा फेस गया और वहीं पर हमारा न्यूट्रल मिल गया, जिससे हमारे ये दोनों हैं वो सीरीज़ में कनेक्शन हो गए। यही प्रॉब्लम थी कि जो हमारी ट्यूबलाइट और जो फ़ैन है वो एक साथ चल रहे थे, और जो हमारा फ़ैन उसकी वजह से स्लो चल रहा था क्योंकि वो सीरीज़ में था। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले स्विच बोर्ड को बंद कर लेते हैं। और दोस्तों आपसे हमारा एक अनुरोध है कि अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो इस प्रकार की गलती आप स्वयं ना करें, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के या जो भी व्यक्ति इसके बारे में जानता है उससे करवा लें। क्या है, इस तरह की छोटी छोटी गलती हैं जो आपको भारी नुकसान भी करवा सकती हैं। अगर ये गलती से हमारा जो न्यूट्रल और फेस है वो आपस में टच हो जाता तो उससे क्या होता, शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी जो वायरिंग है कुछ ही सेकंड में ख़राब हो जाती, जल जाती। दोस्तों अब हम सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट करने के बाद जो हमारा कवर है इसका उसको लगा लेंगे, और इसके बाद फिर हम आपको चेक करके बताते हैं कि जो हमारे ट्यूबलाइट है और जो फ़ैन है वो अलग अलग स्विच से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्यूबलाइट का स्विच है, और जब इसको हमने ऑन किया तो हमारी जो ट्यूबलाइट है वो ग्लो हो गई है, और जो हमारा फ़ैन है वो हमारा बंद है। और अब हम जो फ़ैन का स्विच उसको ऑन करके देखते हैं तो उससे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हमने फ़ैन का स्विच को ऑन किया है तो हमारा फ़ैन चालू हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे दोनों वर्किंग में आ गए हैं, दोनों अलग अलग स्विच से ऑपरेट हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।